आज का सुसंस्कार ध्वनि प्रतिध्वनि, यानी हम जैसा बोलते हैं वैसी क्या वैसी जो है इको होकर के हमारे सामने आती है। कई बार हम खुले कुएं के ऊपर जाकर के बोलते हैं कि जो है नमः शिवाय, तो भीतर से आवाज आती है नमः शिवाय, यानी हम जैसा बोलते हैं उसकी प्रतिध्वनि वैसी आती है। तो ठीक उसी तरीके से जैसा हम दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही फल हमको मिलता है, और हमारा वर्तमान का जो जीवन है वह पिछले जन्म की प्रतिध्वनि है। पिछले जन्म में हमने जैसे जैसे अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उसी के अनुरूप हमारी प्रतिध्वनि बनती है। ध्वनि पिछले जन्म की है, तो ध्वनि है वो कॉज है और प्रतिध्वनि ये इफेक्ट है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। तो वो कारण से कार्य होता है और कार्य से कारण होता है। जैसे कि जो लोच वाली चिकनी मिट्टी होती है, उस चिकनी मिट्टी जो है उसका उपादान है वो कारण है। उस कारण के आधार पर कुमार है, चौक है, डंडा है, ये सब मिलकर के और थपथपा करके और ठंडे पानी का घड़ा बनाया जाता है। तो घड़ा तो हो गया कारण और चिकनी मिट्टी हो गई कार्य। तो हमारे जो पिछले जन्म के अंदर जैसे जैसे हमने भाव डाले हैं, प्रतिष्ठा की है, वो एक भाव को हम भाव कहते हैं और बहुत से भावों को बंच ऑफ दी कॉजेस कहते हैं। वो इकट्ठे होकर के इस जन्म के अंदर वो प्रतिध्वनि के रूप में आते हैं और वैसा ही हमारा चरित्र होता है।